Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parshala by Neetu Nigam. Half yearly exam revision series के अंतर्गत आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए class first के English paper के revision questions. तो चलिए देखते हैं. इससे पहले मैंने class first के EVS के questions paper आपके साथ share किया है according to half yearly examination syllabus. तो चलिए English का देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे कुछ इमेज दिया गया है जिसको देखते हुए बच्चों को इसके नाम फिल करने हैं. फर्स्ट लेटर्स इस इमेज में आपको दिए गए हैं. तो चलिए इसको सॉल्व करते चलते हैं. पहला है हमारा एच ओ आर एस ए, दिस इज हॉर्स. बुल, बी यू डबल एल, बुल. नेक्स्ट है हमारा कैट. यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेती हूँ, कैट. नेक्स्ट है आपका डॉग, डी ओ सी डॉग. एंड लास्ट में है एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी. इस तरह बच्चे जो है इसके स्पेलिंग भी लर्न करेंगे और साथ में इमेज को देखकर इसके आगे के वर्ड लिखकर इस इमेज के नेम को कंप्लीट करेंगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, राइट टू राइमिंग वर्ड्स. यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स लिखना है. पहला है बैट, बेट, बिट, डॉट, बन. बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले करवाइए, फिर इसके आंसर चेक कीजिए कि बच्चे किस तरह कर पा रहे हैं. चलिए इसके आंसर हम देख लेते हैं. सॉल्यूशन, बैट कैट मैट, बेट फेड रेड, बिट हिट पिट, डॉट हॉट पॉट, बन फन रन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. मैच द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू ट्री दे ग्रो ऑन. यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स दिए गए हैं और उसके सामने कुछ ट्री दिए गए हैं. इसमें हमें मैच करना है कि कौन से फ्रूट की कौन सी ट्री है. तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ग्रेप्स, ग्रेप वाइन, कोकोनट. कोकोनट में ये आ जाता है आपका, इधर देखते हैं कोकोनट ट्री. ये कोकोनट से कोकोनट ट्री इस प्रकार ऐड हो जाएगा. मैंगो, मैंगो ट्री, एप्पल, एप्पल ट्री, बनाना, बनाना से बनाना ट्री, एंड ये है आपका ग्रेप्स. यही चीज वापस सॉल्यूशन के लिए मैंने रखा है. तो फाइव फ्रूट्स एंड फाइव फ्रूट्स ट्री नेम यहाँ पे लिखे गए हैं, बच्चों को सिर्फ ऐड करना है. चलिए नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन हो जाते हैं. राइट द एनिमल बेबीज नेम. यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, उसके बेबीज के नाम यहाँ पर बच्चों को लिखना है. डॉग का हो जाता है पपी, काउ, काफ, कैट, किटन, डक, डकलिंग, लॉयन, कप. इस तरह इसके नाम बच्चे याद कर सकते हैं. यहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन करें और बच्चों से करवाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट करेक्ट प्लेस. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जो सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग सेपरेट करके बच्चों को यहाँ पर लिखना है. जैसे बेबीज, काउ, कैट, मैंगोज, एप्पल्स, पैरोट. इसमें कौन सिंगुलर है तो सिंगुलर के नीचे लिखना है और जो प्लूरल वर्ड्स हैं उसको प्लूरल के नीचे छाट कर लिखना है. तो चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं. यहाँ पर सिंगुलर में आपके आ जाते हैं काउ, कैट, पैरोट, मैंगो. ये सारे सिंगुलर की तरफ हो जाते हैं और प्लूरल यानी एक से ज्यादा बेबीज, एप्पल्स, ये हमारे प्लूरल हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है राइट द क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप. इसमें कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा और कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा ये बच्चों को लगाना है. जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर क्या लगेगा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क. तो व्हाट इज योर नेम, जब कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे. एंड नेक्स्ट आई लाइक मैंगो. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस तरह बच्चों को दिया रहेगा क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन मार्क है और फुल स्टॉप में इस तरह का डॉट बच्चों को लगाना होता है. नेक्स्ट है आई लाइक मैंगो, मुझे मैंगो बहुत पसंद है.
यह एक स्टेटमेंट है तो यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएंगे। उसी प्रकार हाउ ओल्ड आर यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम कितने साल के हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, वह चेयर पे बैठ रहा है, तो वो हो गया आपका फुल स्टॉप। एंड सी इज माई सिस्टर, यह मेरी बहन है, तो ये भी एक स्टेटमेंट ही, एक तरह से बातें हो रही हैं, तो ये भी फुल स्टॉप हो गया। चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, आई लाइक मैंगो फुल स्टॉप, हाउ ओल्ड आर यू क्वेश्चन मार्क हो गया, एंड ही इज सिटिंग ऑन द चेयर फुल स्टॉप, एंड सी इज माई सिस्टर फुल स्टॉप। नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन अपोजिट वर्ड बच्चों से पूछे जाते हैं, हैप्पी सैड गुड बैड बॉय गर्ल हॉट कोल्ड रिच पुअर। यहाँ पे क्लास फर्स्ट के बच्चों को इसको लर्न कराने के साथ साथ इसकी स्पेलिंग का भी हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे इसकी स्पेलिंग भी सही लिखें। तो चलिए इसके सॉल्यूशन आप देख लीजिए, हैप्पी सैड गुड बैड बॉय गर्ल हॉट कोल्ड रिच पुअर। अंडरलाइन द नाउन इन द गिवन सेंटेंस, ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर हमें जो नाउन वर्ड है उसके अंदर उसके नीचे अंडरलाइन करना है। सी इज अ बाइसाइकिल, दिस इज अ बुक, दिस स्कूल इज बिग, द टीचर लव्स मी, मंकी हैव लॉन्ग टेल्स। ये फाइव सेंटेंसेज हैं, तो कौन कौन से यहाँ पे नाउन हो गए। फर्स्ट सेंटेंसेज में देख लीजिए, सी हैज अ बाइसाइकिल, नाउन किसे कहते हैं, जो किसी व्यक्ति पर्सन थिंग्स प्लेसेस ये नाउन को थिंग्स को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन से यहाँ पर हो गया नंबर वन है बाइसाइकल्स, दिस इज अ बुक, बुक इज थिंग्स हो गई, दिस स्कूल इज बिग, स्कूल हमारा नाउन हो गया, द टीचर लव्स मी, टीचर्स नाउन है यहाँ पर, एंड ई मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स, मंकीज नाउन्स हो गए। चलिए इसके मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए हैं, इस तरह आप करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर क्लास फर्स्ट से एट तक के सभी सब्जेक्ट के आपके वर्कशीट एंड समय समय पर ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड वर्कशीट भी आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही आपको ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के ओलंपियाड एग्जाम क्या होते हैं, उन एग्जाम को कैसे दिया जा सकता है, उस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, एग्जाम की डेट्स क्या है, इन सब की जानकारी भी आपको समय समय पे डिफरेंट ओलंपियाड एग्जाम के बारे में एंड डिफरेंट सब्जेक्ट में कौन कौन से ओलंपियाड एग्जाम होते हैं उसकी जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही आप प्लेलिस्ट में आप हमारे चैनल पर कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के वीडियो भी क्लास छोटे क्लास के बच्चों के लिए क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन सभी क्लासों में कंप्यूटर प्रैक्टिकल क्या बच्चों को करवाया जाता है उसकी भी प्लेलिस्ट आप एक बार अवश्य चेक करें और उसे देखें। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थैंक यू। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।